हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी लॉर्ड हनुमान। ओके, तो हमने अभी तक स्टोरी में क्या क्या पढ़ा कि जो लॉर्ड हनुमान थे वो बहुत ही शरारती थे अपने बचपन में और बहुत क्यूट दिखते थे, तो सब उनसे बहुत प्यार करते थे। वो हवा के भगवान के पुत्र थे इसलिए वो उड़ भी सकते थे। ओके, और वो बहुत शक्तिशाली भी थे। तो एक दिन उन्हें क्या होता है, सुबह सुबह बहुत भूख लगती है और उन्हें आसमान में बहुत एक गोल सा और एक लाल सा कुछ चीज नजर आती है और वो सोचते हैं कि वो क्या है, एक फल है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। उन्हें हम वायुपुत्र भी कहते थे, हनुमान जी को हम वायुपुत्र भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सो ही वॉन्टेड टू ईट इट, सो ही फ्लू अप इन द एयर। तो लॉर्ड हनुमान, वो जो उनको चीज नजर आती है आसमान में गोल सी लाल सी, उसको खाने की उनमें इच्छा जागती है, तो वो वो उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं और उसके पास जाते हैं। ही टुक द सन इन बोथ हिज हैंड्स एंड स्मैक्ड हिज लिप्स। तो क्या करते हैं, सूरज को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लेते हैं और अपने मुंह के पास लाके उसको क्या करते हैं, चखने की कोशिश करते हैं, उसको चखते हैं। द सन क्राइड, वॉट आर यू डूइंग। तो इस पर सूरज रोने लगते हैं और सूर्य और क्या बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बेबी हनुमान सेड, यम यम, वॉट अ गुड लुकिंग फ्रूट, सो राउंड एंड बिग। तो बेबी हनुमान क्या बोलते हैं, यम 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 बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ हमें टेस्टी लगती है, यमी यमी, तो वो भी बोलते हैं और बोलते हैं वॉट अ गुड लुकिंग फ्रूट, कितना सुंदर दिखता हुआ फल है, सो राउंड एंड बिग, गोल है और बड़ा सा है। आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट यू अप, और मैं बहुत भूखा हूँ और मैं तुम्हें अब खाने वाला हूँ, मैं तुम्हें खा के रहूंगा। एट दिस द सन ग्रू रेड हॉट विद एंगर। तो इस पे क्या होता है, सूर्य को गुस्सा आ जाता है और वो एकदम लाल हो जाते हैं, लाल गर्म हो जाते हैं और गुस्से से बड़े हो जाते हैं। ओके, ही फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम बेबी हनुमान स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड गेव हिम अ स्लैप ऑन हिज जी। तो वो अपने आप को क्या करते हैं, मुक्त करा लेते हैं, आजाद करा लेते हैं बेबी हनुमान के हाथों से। उस बेबी हनुमान के हाथ काफी स्ट्रांग होते हैं, पर वो अपने आप को मुक्त करा लेते हैं और फिर एक जोर से चांटा लगाते हैं, गेव हिम अ स्लैप ऑन हिज चीक, उसके गालों पर, लॉर्ड हनुमान के गालों पर जोर से एक चांटा लगाते हैं। बेबी हनुमान फेल टू द ग्राउंड एंड लैंडेड अपॉन हिज अदर चीक। तो जब उनको मार पड़ती है, चांटा पड़ता है, तो वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं और अपने दूसरे गाल के बल पर नीचे गिर जाते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ हिज चीक्स वर हर्ट। इससे क्या होता है कि जो उनके जो दोनों गाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों ही हर्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से वहां पर चोट लग जाती है। दे गॉट puffed up and swollen and made him look like a monkey. इससे क्या होता है कि उनके जो दोनों गाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, और फिर वो कैसे दिखने लगते हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, कैसे दिखने लगते हैं, वो एक मंकी की तरह, वो एक बंदर की तरह दिखने लगते हैं। After a while his teeth started paining. और कुछ देर बाद क्या होता है, उनके दांतों में भी दर्द होने लगता है। Oh, he had a wobbly tooth. तो वो क्या बोलते हैं, ओह, तो क्या होता है कि उनका जो टूथ होता है, जो दांत होता है, वो लड़खड़ाने लगता है, वूबली टूथ उसको बोलते हैं, जो लड़खड़ाता हुआ दांत होता है हमारे मुंह के अंदर। फ्यू डेज लेटर दैट टूथ केम आउट। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो जो दांत होता है वो बाहर आ जाता है। ही लुक्ड इन टू द मिरर, ही लव टू सी हिज फनी लुकिंग माउथ। तो जो बेबी हनुमान का जो टूथ होता है वो टूट जाता है, बाहर आ जाता है, और फिर वो अपने आप को शीशे में देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, उनका जो माउथ होता है वो बहुत फनी दिखने लगता है, तो उसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ही विसल्ड एंड सैंग द वूबली टूथ सॉन्ग। फिर वो सीटी बजाते हैं और जो वूबली टूथ गाना है वो गाने लगते हैं। तो वो सॉन्ग कौन सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। Thank you.